हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने का मौका दिया। जब आपने मुझे फोन किया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। एक तो इसलिए क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में काम किया है एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग टुगेदर। दूसरे, मैं निर्मल पांडे को भी जानती हूँ, मैंने उनके साथ भी काम किया है। हम दोनों ने लव स्टोरीज का एक बेस्ट सेलर एपिसोड किया था जिसमें वो मेरे हीरो बने थे। मुझे याद है कि बहुत ही सिंपल मैन, खामोश रहने वाले, ज्यादा बात नहीं करते थे एंड वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग मैन। हम दोनों का ना एक बहुत ही इनोसेंट सा किसिंग सीन था और निर्मल पांडे की हालत खराब, घबराए हुए, परेशान, नर्वस, शर्मा रहे हैं। तो उनकी सारी घबराहट देख के मैं बड़ी कंफर्टेबल हो गई। मैंने कहा ठीक है, सारी घबराहट इनको जीने दो, ये बड़े शरीफ से हैं सीन अच्छा ही होगा तो आई हैव लाइक ही वाज सच अ जेंटलमैन टू वर्क विद, वंडरफुल को एक्टर। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनके नाम से एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया। मैंने कुछ 40-45 फिल्म्स देखी, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग अपनी कहानियां एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी है घर में और जितना भी वो हासिल कर सकते हैं उसी से वो फिल्में बना रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी फिल्में मैंने देखी, कुछ के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही वंडरफुल थे। सो इट्स रियली ग्रेट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट फॉर सेकेंड थर्ड, बट यस वी हैड टू सिलेक्ट। मैं कोई फिल्म मेकर नहीं हूं, लेकिन मैंने एक्टिंग फील्ड में इतने साल काम कर लिया है कि मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो लोग फिल्में बनाना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी है, जो किसी फिल्म मेकिंग स्कूल में गए बगैर सेल्फ टॉट फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आप खूब सारा क्लासिक लिटरेचर पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, उससे एक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग का पता चलता है। वर्ल्ड सिनेमा देखें कि लोग किस तरह से कहानी को कहते हैं। इस बात से मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त हैं, वो जब नए नए बॉम्बे आए, काफी पुरानी बात है ये, वो बता रहे थे मुझे, तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। तो पास आउट होकर जब वो बॉम्बे आए तो उनकी मुलाकात देवानंद से हुई और उन्होंने देवानंद से कहा कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, आपकी कोई एडवाइस, कोई टिप? तो देवानंद ने कहा कि जब तुम कोई किस्सा सुनाते हो अपनी ही जिंदगी का अपने दोस्तों के सामने, तो क्या तुम्हारे दोस्त गौर से सुनते हैं, पूरा ध्यान लगा के ध्यान से सुनते हैं? Are you able to grab their attention when you are telling a story? If yes, then you can be a filmmaker. So it's all about how you tell a story. कैसे आप कहानी सुनाते हैं? तो उसके लिए आप खूब पढ़ें, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ें, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें कि वो किस तरह से कहानी लिखते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपको प्यास लग रही है या टेलीफोन की घंटी बज रही है या दरवाजे पे कोई है, आप इस किताब को रख नहीं पाते। सो दिस आई थिंक वन वेरी गुड वे टू लर्न हाउ टू टेल अ स्टोरी। बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी सारी फिल्में देखने का मौका मिला, बहुत मजा आया। एंड कीप मेकिंग फिल्म्स, कीप एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।